तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था नर्वस सिस्टम का, ठीक है, कि बॉडी को बैलेंस वे में, बॉडी के सारे सिस्टम को कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने के लिए हमको न्यूरल सिस्टम चाहिए ऑर्गन लेवल पर। किस लेवल पर? ऑर्गन लेवल। लेकिन अगर मेरे को सेल्स सेलुलर लेवल पर अगर मेरे को मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, वो भी देखो ऐसा नहीं है कि केवल सेलुलर लेवल पर, दोनों नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर क्विक रिस्पॉन्स किसी भी बोलना चाहिए एक्सटर्नल चीजों के प्रति करते हैं। जैसे अचानक से कभी कहीं आग लग गया तो आपका मतलब मान लीजिए कोई कुछ बड़ा ब्लास्ट हो गया आसपास, तो तुरंत आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आप तुरंत किसी भी हालत में उस जगह से जान बचा के भागोगे। तो आपका न्यूरल सिस्टम तो काम में आया, आपका हार्ट बीट तेज हो चुका, आपका बीपी तेज हो चुका है, आया ना, गुजबम्स भी आ जाता है कुछ लोगों को, डर होता है ना, डर है ना, आप एकदम एक्टिव मोड में रहते, कुछ भी करके नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। अब एड्रेनलिन कौन रिलीज करेगा? एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज करेगा, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारे बॉडी में न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड वे में बॉडी को कंट्रोल करते हैं हर सिचुएशन में। क्लियर है? नहीं क्लियर? क्लियर। अब हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, अरे ध्यान नहीं किया। हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ये दो भागों का मिलकर बना हुआ है, ठीक है, इसके दो पार्ट्स, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यस सर, ठीक है, और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक इसका जो मेन पार्ट है ना हार्ट, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CNS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CNS बोलते हैं। और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मिलकर बना हुआ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग PNS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PNS। अरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका इसको कौन कौन बनाते हैं? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाने वाले दो लोग, ठीक है, पहला ब्रेन एंड दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और इसको परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो लोग मिलकर बनाते हैं। सबसे मेन पार्ट है ब्रेन। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन? स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्ड है भैया? स्पाइनल कॉर्ड। हाय एम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या काम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही मेन काम है, ये क्या करता है? कोई भी प्रकार का इंपल्स या कोई भी प्रकार का मैसेज नर्व के थ्रू आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, तो पहले तो उसका प्रोसेस करना, उसको इंटीग्रेट करेगा, आया ना, फिर उसको आगे जाके वो आप बोलना चाहिए कंट्रोल करेगा। मतलब प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड करते हैं। इनका मेन काम क्या है? प्रोसेसिंग एंड क्या करना बेटा?
इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और कंट्रोल करना है ना। तो जो सूचनाएं आती है हमारे अलग अलग ऑर्गन से, हमारे अलग अलग ऑर्गन से है ना, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, हमारे अलग अलग ऑर्गन से जो भी इम्पल्स, जो भी न्यूरल मैसेज, जो भी न्यूरल मैसेज हमारे ब्रेन तक आ रहा है, और ब्रेन यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आ रहा है, तो उसको सबसे पहले प्रोसेस करेगा हमारा ब्रेन। बहुत ज्यादा स्पीडली होता है वो। ठीक, कौन ये बोल रहा था कि जो हमारा ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अलग अलग ऑर्गन से आए हुए इंफॉर्मेशन को है ना, इंफॉर्मेशन इंपल्स के फॉर्म में होगा है ना, उसको क्या करेंगे, उसका प्रोसेस करेंगे और फिर जाके उसको कंट्रोल करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन का ये इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल है ना। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इट इज द साइट ऑफ इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, ये सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण केंद्र, यहां से इंफॉर्मेशन को कंट्रोल और प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस मतलब आगे प्रोसीड करना है ना, एक तो पहले को कंट्रोल किया जाएगा, जो इंफॉर्मेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर कंट्रोल किया जाएगा बॉडी ऑर्गन्स। यस सर। क्यों, कैसा इंफॉर्मेशन है ना, क्लियर है नहीं? तो हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये मेन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सेंटर है हमारे ब्रेन के, यानी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, नीट के एग्जाम में आपके ब्रेन का बोलना चाहिए, बोलेगा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल साइड कौन है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यस सर। अब हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले, दैट इज पीएनएस के बारे में पढ़ने वाले, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इवन हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन लोग स्पेशल टाइप के सेल से मिलकर बने हुए हैं, एक स्पेशल टाइप की सेल से मिलकर बने हुए हैं जिसका नाम है नर्व सेल, जिसका नाम क्या है, नर्व सेल। ठीक है, जिसका नाम क्या है बेटा, नर्व सेल। हाँ, ठीक है, तो जो पीएनएस है, पीएनएस कंप्राइज़ेस द ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस द नर्व फाइबर। अब ध्यान देंगे बेटा, इधर ध्यान दो, जो हमारा पेरिफेरल नर्व सिस्टम है ये दो प्रकार के नर्व से मिलकर बना हुआ है, ये दो प्रकार के नर्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कंट्रोल साइड को मैं यहां लिख देता हूं, ये दो प्रकार के नर्वों से मिलकर बना हुआ है। एक नर्व जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एफरेंट, क्या बोलेंगे, एफरेंट, हम लोग इसको बोलेंगे एफरेंट नर्व फाइबर बोलेंगे है ना, हम लोग बोलेंगे एफरेंट फाइबर बोलेंगे, एफरेंट नर्व फाइबर, एफरेंट नर्व फाइबर बोलने का भाई है ना, एफरेंट नर्व फाइबर। ध्यान देंगे हम लोग इसी को सेंसरी नर्व भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग इसी को, सेंसरी नर्व, हाँ सेंसरी नर्व भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसी को हम लोग, सेंसरी नर्व बोलेंगे। ठीक है, फिर जो दूसरा है ये होगा आपका डिफरेंट नर्व फाइबर, क्या होगा दूसरा, क्या होगा डिफरेंट नर्व फाइबर। ओके, यस सर। अब जो डिफरेंट नर्व फाइबर है बेटा इसको हम लोग मोटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोटर न्यूरॉन्स, मोटर सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोलेंगे इसको, और इसको हम लोग बोलेंगे मोटर न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर को न्यूरॉन्स भी बोलते हैं ना, एक ही मतलब। यस और नो, समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे, आया ना, ओके क्लियर है। अब ध्यान देंगे इधर ध्यान दो, अब
सर ये एफरेंट नर्व फाइबर और इफरेंट नर्व फाइबर से मिलकर बना हुआ। अब एफरेंट नर्व फाइबर क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहली बात हमारा जो ह्यूमन नर्व सिस्टम है सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम को बना हुआ। सेंट्रल नर्व सिस्टम हमारा मेन कंट्रोल सेंटर, हमारा मेन कंट्रोल सेंटर, दस बार किसी भी बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए उससे 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 जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको कंट्रोल हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेगा। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इट इज द प्रोसेसिंग साइट ऑफ प्रोसेसिंग साइट एंड कंट्रोल सेंटर है हमारा। क्या है ये इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करेगा ये कंट्रोल सेंटर के लिए। यस सर। अब पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या है, याद रखना जो एफरेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ये दोनों के दोनों नर्व फाइबर से मिलकर बने हुए, दोनों के दोनों किससे मिलकर बने हुए, नर्व फाइबर से मिलकर बने हुए। पेरिफेरल नर्व सिस्टम दो प्रकार के नर्व फाइबर से मिलकर बना हुआ है ना, एक्चुअल में इसमें भी वही है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में हम लोग दो नर्व फाइबर्स को पढ़ने वाले एक है आपका एफरेंट नर्व फाइबर्स और दूसरा है इफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट को हम लोग सेंसरी नर्व फाइबर भी बोलेंगे और इफरेंट को हम लोग मोटर नर्व फाइबर भी बोलेंगे। यस और नो, ओके क्लियर है नहीं क्लियर, क्लियर है क्या हो गया भाई, क्या ना भाई, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है ना ये क्या करेगा, ये ऑर्गन से किसी भी ऑर्गन या फिर टिश्यू से, ऑर्गन या फिर टिश्यू से इम्पल्स को किसी भी ऑर्गन या टिश्यू से इम्पल्स को सीएनएस तक ले जाने वाले नर्व फाइबर को हम लोग क्या बोलेंगे, एफरेंट नर्व फाइबर, क्या बोलेंगे हम लोग, एफरेंट नर्व फाइबर या फिर सेंसरी नर्व फाइबर, ठीक क्लियर क्लियर आया। न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लियर है बेटा। अब ध्यान देंगे इफरेंट नर्व फाइबर या मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इधर जानो इफरेंट नर्व फाइबर या मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इधर जानो बच्चे, ये क्या करेगा, ये इंपल्स को क्या करेगा, ये सीएनएस से इंपल्स को, कहां से, सीएनएस। अब क्या हुआ देखो, एक तो मैसेज आया, इंपल्स आया, इंफॉर्मेशन आया ब्रेन तक, ब्रेन ने उसको कंट्रोल कर लिया, उसका कमांड भेजेगा वापस ऑर्गन तक। तो पहले लाने वाला कौन है, सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन को ऑर्गन से, जैसे यहाँ पास मेरे को चीटी काट दिया आया, तो मेरे को पता कैसे चलेगा चीटी काट रहा है, तो यहाँ से एक नर्व फाइबर मेरे ब्रेन तक, है ना, नर्व फाइबर कनेक्ट भी हो सकते हैं, मेरे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लाएगा सेंसरी नर्व फाइबर, ठीक है। फिर मैं चीटी काटा करके हटाने वाला मैसेज जो मेरे को आएगा, चीटी काटने यहाँ पास को खुला या फिर हटा है, फिर किसी गर्म वस्तु पर मेरा हाथ, तो वहां से हाथ अपना हटा दे, तो ये मैसेज मेरा लाने वाला मेरे को ब्रेन से, मेरा ब्रेन कमांड पास करेगा कि वहां से हाथ हटा, तो उस मैसेज को लाने वाला मेरे मोटर न्यूरॉन्स है। तो ये क्या करेगा सर, ये इंपल्स को सीएनएस से, ये इंपल्स को मैं बस लिख देता हूँ, ये क्या करेगा बेटा, ये इंपल्स को, है ना, इधर ये इंपल्स को सीएनएस से, कहां से भाई, सीएनएस से ऑर्गन तक लाएगा, कहां तक लाएगा, ऑर्गन या टिश्यू तक लाएगा। Yes or no, भाई? Yes, sir. Clear है नहीं clear? ठीक है? हाय अनन। तो अभी जो ऑनलाइन वाले हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप लोग नोट कर, ठीक है? Yes, sir. मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको नोट कर, फिर हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के और टाइप पढ़ने वाले, खास करके मोटर न्यूरॉन्स के कितने बता रहे पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो नर्व्स हैं। Yes, एक है आपका एफरेंट नर्व फाइबर, एफरेंट नर्व फाइबर, अब हम लोग एफरेंट नर्व फाइबर्स को, है ना, एफरेंट नर्व फाइबर्स को हम लोग सेंसरी, क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, सेंसरी न्यूरॉन्स। ये क्या करेगा सेंसरी न्यूरॉन्स, क्या करेगा सर, ये ऑर्गन या फिर टिश्यू से जो इंपल्स है, इंपल्स है, उसको कहां तक ले जाएगा भाई, सीएनएस एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने इधर ध्यान दो, फिर इसके बाद हम लोगों ने
इफरेंट नर्व फाइबर के बारे में पढ़ो, डिफरेंट नर्व फाइबर क्या करेगा सर? अब जब प्रोसेसिंग हो जाएगा तब ये इंपल्स को, ध्यान दो इधर, ये इंपल्स को सीएनएस से, सीएनएस से कहां से? सीएनएस से, सीएनएस से इंपल्स को कहां ट्रांसमिट करेगा बेटा? आपका ऑर्गन या फिर टिश्यू पर? यस और नो? यस सर। इसको मैं अभी आपको बताया, ठीक है? अभी तक ध्यान दो। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी जो पीएनएस है, पीएनएस है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हम लोग इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? दो भागों में डिवाइड करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसएनएस, सॉरी एसएनएस, सॉरी एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और इसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नर्वस यानी एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस। तो हम लोग इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड किए, एक मतलब उन्होंने ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, या फिर इसको हम लोग ऑटोनोमिक नर्वस, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है? इसको ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। क्लियर है? नहीं क्लियर? क्लियर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूँ मैं कि सर सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ठीक है, देखो ध्यान दीजिए। एक्चुअल में डिफरेंट नर्व फाइबर्स के, डिफरेंट नर्व फाइबर है, डिफरेंट नर्व फाइबर वो एक्चुअल में दो भाग बनाते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। मतलब जो मोटर न्यूरॉन्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोटर न्यूरॉन्स। उसके पहले लिखवाया था ना? मोटर न्यूरॉन्स जो है, मोटर न्यूरॉन्स इसमें दो पार्ट में, इसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है, एक तो बच्चा सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं और एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब इधर ध्यान दो, जो मैसेज सीएनएस डायरेक्ट कंट्रोल करेगा और वॉल्यूंटरी ऑर्गन तक लाएगा, सीएनएस से मैसेज यानी इंपल्स जो है ये वॉल्यूंटरी ऑर्गन, यानी जैसे मेरा हाथ पैर है ना, आंख की पलकी सबका आना, आयन बाइट करना, च्यूइंग करना, ये सब क्या है? मैं अपने अपने कंट्रोल से कर सकता हूँ, यानी सीएनएस मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ये मेरे वॉल्यूंटरी कंट्रोल में है। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट है कि आप इंटेस्टाइन का पैरास्टाइलिसिस मूवमेंट आप कंट्रोल कर सकते हो, डाइजेस्टिव ट्रैक के, डाइजेस्टिव ट्रैक में एंजाइम का सिक्रेशन आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यानी सर सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा सर? ये सीएनएस से, सीएनएस से इंपल्स को, किसको बेटा? सीएनएस को, इंपल्स को ये वॉल्यूंटरी ऑर्गन तक लाएगा। कहां तक लाएगा? वॉल्यूंटरी ऑर्गन तक, वॉल्यूंटरी ऑर्गन यानी ऐच्छिक अंगों तक लाएगा, समझ में आया ना? और ये क्या करेगा सर? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ये सीएनएस से इंपल्स को, किसको बेटा? इंपल्स को कहां ट्रांसमिट करेगा? कहां ट्रांसमिट करेगा? इन वॉल्यूंटरी ऑर्गन। कहां ट्रांसफर करेगा? इन वॉल्यूंटरी, इन वॉल्यूंटरी ऑर्गन तक लाएगा। यस और नो? इन वॉल्यूंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं, इसको हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। ज्यादातर जो हमारे बोलना चाहिए जो इंटरनल पार्ट, यानी जो हमारे बॉडी के जो स्मूथ मसल्स, हमारे बॉडी के जो स्मूथ मसल्स वो ये वाला पार्ट बनाते हैं। ये सीएनएस से इंपल्स को कहां तक लाएंगे बेटा? इन्वॉल्यूटरी ऑर्गन। तो एक चीज क्लियर सर, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको हम लोग अगेन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, है ना? टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनोमिक, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये सीएनएस से इंपल्स को कहां तक लाएगा? वॉल्यूंटरी ऑर्गन तक, आया ना?
और जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ये इंपल्स को सीएनएस से कहां लाएगा? इनवॉल्यूटरी ऑर्गन तक। कहां लाएगा? इनवॉल्यूटरी ऑर्गन तक। हायर क्लियर। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को फर्दर दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक। एक आएगा सिंपैथेटिक एएनएस यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक आएगा पैरासिंपैथेटिक एएनएस पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मैं इसको आगे बताता हूँ, इतना नोट कर, ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये इंपल्स को सीएनएस से लेकर वॉल्यूटरी ऑर्गन, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं एस्केलेटल मसल, है ना, कहां तक लाएगा भैया? एस्केलेटल मसल तक लाएगा। कहां तक लाएगा भाई? एस्केलेटल मसल तक लाएगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। और ये सीएनएस इनवॉल्यूटरी ऑर्गन्स, इनवॉल्यूटरी ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स आते हैं। कौन आते हैं भाई? स्मूथ मसल्स आते हैं। तो स्मूथ मसल्स तक कहां तक भाई? स्मूथ मसल्स तक इंपल्स को लाने का काम सीएनएस से किसका काम है भाई? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अगेन मैं एक बार 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 बोल रहा हूँ, हमारा चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, ऑटोनोमस हो, सीएनएस हो, पीएनएस हो, वीएनएस हो, विसरल नर्वस सिस्टम हो, अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, सभी के सभी नर्व से मिलकर बने, नर्व न्यूरॉन से मिलकर बने। अभी मैं उन न्यूरॉन्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, अभी मैं आपको बताता हूँ मोटर न्यूरॉन्स। एक चीज समझ कर लो, एक थोड़ा इसको बताते ही है, मैं बता रहा हूँ। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये एक्चुअल में दो टाइप के है ना, मोटर न्यूरॉन्स मतलब इंपल्स को ऑर्गन या टारगेटेड ऑर्गन या टिश्यू तक लाने का जो काम है। तो टारगेटेड टिश्यू कोई भी हो सकता है, वो हमारे कंट्रोल में भी हो सकता है और इन कंट्रोल में भी हो सकता है। अगर अगर हम लोग इंपल्स का कहाँ बेटा? इंपल्स का जनरेशन हमारा सीएनएस से जो इंपल्स है वो अगर वॉल्यूंटरी ऑर्गन तक आ रहा है, वॉल्यूंटरी ऑर्गन है ना, वॉल्यूंटरी ऑर्गन, या फिर अभी वही पता है एस्केलेटल मसल तक आ रहा है, एस्केलेटल मसल्स तक आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर जो सिस्टम कंट्रोल में आएगा पीएनएस का जो एक पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोल रहे थे हम लोग इसको? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन के ही ये दो पार्ट, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑस्मोटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना, यस सर। ऑटोनोमिक यस सर। ये क्या करेगा सर? ये इंपल्स का जनरेशन सीएनएस से इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स, दैट इज इनवॉल्यूंटरी जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ज्यादातर ये क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं, यस सर, जो आपके अंदर है विसरल ऑर्गन्स में स्मूथ तक लाएंगे इंपल्स को, यस और नो, ये पहले ही बता चुका हूं, ठीक है भाई? यस और नो, यस सर, क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये हो गया ना, मैं इसको तो मैं एक बार रख कर देता हूं, ये हो गया, अब ध्यान देंगे रखना। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हम फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक आता है इसमें सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एएनएस बोलते हैं ना, यस सर। एक सिंपैथेटिक एएनएस और एक दूसरा क्या आता है? पैरासिंपैथेटिक एएनएस। एक सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी सिंपैथेटिक एएनएस बोलते हैं इसको डायरेक्ट, और एक जो दूसरा आएगा भाई जिसको हम लोग बोलते हैं पैरासिंपैथेटिक एएनएस
सिंपैथेटिक एएनएस सिंपैथेटिक है ठीक है। अब सर पैरासिम्पैथेटिक एएनएस देखो आपके लेवल में पढ़ना है ठीक है। सिंपैथेटिक एएनएस के बारे में और ये आपका सिलेबस चले जा रहा है थोड़ा 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 ज्यादातर क्या होते हैं जो सिंपैथेटिक एएनएस के जो इंपल्स होते हैं है ना इनके जो मैसेज होते हैं सिंपैथेटिक एएनएस से जो आने वाले मैसेज होते हैं ये ज्यादातर क्या करते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं मन पर स्टिमुलेट प्रकृति है यानी उत्तेजित करते हैं ज्यादातर सिंपैथेटिक लेकिन ऐसा नहीं है कि सर ये क्या ये किसी ऑर्गन को इनहिबिट नहीं कर सकते कर सकते हैं ठीक है। लेकिन पैरासिंपैथेटिक एएनएस से आने वाले जो मैसेज है या फिर जो नर्व इंपल्स है ये ज्यादातर इनहिबिटरी यानी रोकने वाले तो पर बंद करने वाले प्रकृति के होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिशन नेचर ऑफ इनहिबिशन या फिर इनहिबिटरी नेचर के पैरासिंपैथेटिक एएनएस के इंपल्स और सिंपैथेटिक एएनएस के इंपल्स ज्यादातर क्या होते हैं ये चीजों का क्या करेंगे ये स्टिमुलेशन का काम करते हैं है ना समझ में आया लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल इनहिबिट नहीं कर सकते इनहिबिशन भी इसका काम है क्या सर ये क्या स्टिमुलेट कर सकता है हाँ पैरासिंपैथेटिक एएनएस डाइजेस्टिव ट्रैक और बोलना चाहिए जब आप रेस्ट कंडीशन में तो आपके बॉडी कंट्रोल में पैरासिंपैथेटिक एएनएस के हाथ में होता है यस सर समझ में आया नहीं है आया तो इसको हम लोग को पढ़ना नहीं है हमारे लेवल पे बट मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा ओके क्लियर है नहीं क्लियर अच्छा अच्छा अब हम लोग ये तो हमारा कंप्लीट हुआ मैं आपको विसरल एक होता है जो हमारे विसरल ऑर्गन्स वहाँ पर जो नर्व फाइबर गैंग्लिया और जो बोलना चाहिए प्लेक्सिक्लेसेस होते हैं उनको हम लोग विसरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं तो विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में हमको कुछ लिखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक और अगेन सर पीएनएस ये विसरल नर्वस सिस्टम क्या है ये भी पीएनएस का ही पार्ट है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आया ना तो इसको हम लोग बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम विसरल यानी आंतरिक अंग बेटा तो हम लोग पढ़ने वाले हैं विसरल नर्वस सिस्टम एनसीईआरटी के लगभग विसरल नर्वस सिस्टम क्या होता है तो विसरल नर्वस सिस्टम इट इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर्स गैंग्लिया सर ये गैंग्लिया क्या होता है नर्वस या न्यूरस नर्व सेल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक अलग टाइप के भी सेल होते हैं ये भी बोलना चाहिए न्यूरल सिस्टम के टाइप में आता है जिसको हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं हालांकि हम लोग को इतना डीप नहीं पढ़ना है ना मैं बहुत इसका टाइप भी बता सकता हूँ है ना लेकिन हम लोग को उस लेवल पे नहीं पढ़ना अभी हमारा कमांड क्या है एनसीईआरटी में कमांड क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है जब मैंने नीडी तैयारी की थी है? और इतना पढ़ के ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग को जो एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन रखना है उसको आदमी याद नहीं रख पाता तो पहले एनसीईआरटी प्रायोरिटी ज्यादा देगी है पहले आपको नीड नहीं आ या सबसे पहली बात क्लियर है ना नीड में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला ठीक है कुछ कुछ मैं बात बताता हूँ वो एक्स्ट्रा स्ट्रोक के लिए काफी है ओके तो मैं बोल रहा हूँ द विसरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स नर्व फाइबर्स गैंग्लिया एंड प्लेक्सस
एंड प्लेक्सस बाय विच इंपल्स बाय विच इंपल्स ट्रेवल्स ट्रेवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रेवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरल ऑर्गन्स टू द विसरल एंड फॉर्म द विसरल सेंट्रल नर्वस इंपल्स ट्रैवल्स टू द विसरल बॉडी में जो विसरल ऑर्गन्स है यानी जो आंतरिक अंग है ना वहां पर वहां से मैसेज को लाने के लिए मैसेज को लाने के लिए भी एक नर्वस सिस्टम है जिसका नाम है विसरल नर्वस सिस्टम. इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये पीएनएस का पार्ट है. ठीक है आया ना. ये किससे किससे मिलकर बना होता है तो ये नर्व फाइबर्स गैंग्लिया प्लेक्सस है ना ये सब नर्व बोलना चाहिए नर्व टिश्यू के नाम अलग अलग टाइप. ठीक है इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना. आप केवल नाम याद रखिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स नर्व फाइबर्स गैंग्लिया और प्लेक्सस से मिलकर बना होता है. ये क्या करता है ये इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरल ऑर्गन तक और विसरल ऑर्गन से इंपल्स को नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने का कार्य करते हैं. क्लियर है नहीं क्लियर है क्लियर है क्लियर. तो इसी के साथ बोलना चाहिए जो हमारा जो हम लोग पार्ट थे CNS CNS है ना. अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल है ना वो हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं. ठीक है तो देखते हैं.